जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला में अभी हिंदू शासकों द्वारा बनाए गए मूर्ति मंदिरों के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदू परंपरा के अनुसार हिंदू राजाओं ने मुख्यतः तीन प्रकार की शैलियों को अपना कर क्या किया था, तो मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जिसमें एक था नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा बेसर शैली। नागर शैली हम उसे कहते हैं जो उत्तर भारतीय शासकों ने जिसमें मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये मंदिरों के प्रकार भी मैं आपको बता दूं कि ये मंदिरें काफ़ी चौड़ी होती थी, जमीनी सतह में इनका क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा होता था और इनका भी अलंकरण बहुत ज़्यादा होता था, पत्थरों को काट के बनाया जाता था। और इसके जो नागर शैली मंदिर थे, उस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं सदी तक सारे मंदिरों का, हिंदू शासकों के मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसमें नागर शैली में सबसे पहला उदाहरण आता है खजुराहो का मंदिर, दूसरा लिंगराजन मंदिर, थर्ड है तीसरा है जगन्नाथ मंदिर। पूरी जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का उदाहरण है, दक्षिण पश्चिम भारत में नागर शैली का उदाहरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ये सभी नागर शैली हैं। भीलवाड़ा का मंदिर और सोमनाथ का मंदिर, ये नागर शैली के उदाहरण हैं। अब आ जाइए द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में जो मैंने आपको नाम बताया सबसे पहले ही कि मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है और ये 42 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और ये काफ़ी विस्तृत भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है और इसमें असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि द्रविड़ शैली किस प्रकार की मंदिर होती है। द्रविड़ शैली में क्या होता है, मंदिर काफ़ी ऊंचे भवन के होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं और मंडप का विधान होता है और मंडप में गर्भगृह होता है। तो इस शैली के मंदिरों के अंतर्गत कौन सी मंदिरें आती हैं, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है, विदेश्वर का मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम, ठीक है, ये दक्षिण भारतीय मंदिर है। अगर कोई आपसे पूछे दक्षिण भारत की मंदिरों के शैली किस प्रकार की शैली का मंदिर है, तो कहिएगा द्रविड़ शैली मंदिर है। अब आ जाइए बेसर शैली। बेसर शैली यानी कि हम लोग इसमें द्रविड़ शैली भी देखते हैं और इसमें नागर शैली भी देखते हैं। दोनों शैली का प्रयोग जिस मंदिर में हुआ है उस मंदिरों को कहा जाता है बेसर शैली की मंदिरें। तो इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास में ही पढ़ रहे हैं एहोला का दुर्गा मंदिर, ये एक है मध्यकाल में इसकी संरचना स्थापित हुई थी, और उसका पटक्कल ये मंदिर। ये दोनों मंदिर में आपको द्रविड़ शैली के भी उदाहरण देखने को मिल सकते हैं और नागर शैली के भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी स्थापत्य कला, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, इस सब में इन हिंदू शासकों द्वारा इन शैलियों का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार शैलियों के अंतर्गत तकनीक के रूप में सल्तनतकालीन शासक और मुगल्स ने भी अपने अपने संरचनाओं का, मंदिर मस्जिदों का, मकबरों का, टीलों का, अपने रहने वाले भवनों का निर्माण किया था और ये वैभवता का प्रदर्शन करने के लिए इनका निर्माण होता था। और जहाँ तक इसमें सामग्री लगने की बात है, तो मंदिर जो हमारे जितने भी बने हैं ये पत्थर के टुकड़े को काट कर तराश कर गत्ते के गोल से इसको लगाया गया है। उस जमाने में पत्थर के टुकड़े को काट कर गत्ते के गोल से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके इन मंदिरों की स्थापना की गई थी, जो उस जमाने से लेकर आज भी उसी तरह खूबसूरत है। और इसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपकी किताबों में भी है, मैं उसको आप लोगों के बीच में साझा करूंगी क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमारा स्वर्णिम इतिहास है जिसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। हमारे आदिकाल पुराने मंदिर हैं और इनका विस्तार कब हुआ ये आपको आगामी परीक्षाओं में और जीके जनरल अवेयरनेस में भी रहता है, तो ये आप लोग जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं जो जो पिक्चर साझा करूँगी वो पिक्चर्स और उसके नाम को अंकित करके अपने कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे। वैसे आपके बुक्स के ही फोटोज़ मैं डालूँगी, इससे क्या होगा आपके कंसेप्शन में रहेगा कि चैप्टर 5 में कौन कौन सा पेज नंबर में ये सब पिक्चर्स फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है ना। तो ये अब आपको आगे मैं बताती हूँ सल्तनत शासकों ने क्या बनाया, मुगलों ने क्या बनाया, उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद होगा 6, 7, 8, 6, 7, 9, ये तीन चैप्टर बचे रहेंगे, उसको भी मैं एज सून एज अर्ली ख़त्म कर दूंगी। मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं बनाया है क्योंकि कैचअप कोर्स है, कैचअप कोर्स का मतलब ही है जल्दी से जल्दी लेना, ग्रहण करना, पकड़ना। तो आपको मैंने टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज सारे टॉपिक को पढ़ाया है और आशा करती हूँ कि आपके मन
मन मस्तिष्क में मेरी पढ़ाई कई बातें स्थापित हो गई होंगी, स्टेबल हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि कैचअप यानी पकड़िए, पकड़े होंगे आप लोग कि मैंने कब शुरू किया, किन शासकों से प्रारंभ किया, तो इसको पकड़ना ज़रूरी है। इसीलिए लय में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी कक्षाओं के जो वीडियोज़ है आप दोबारा से भी जाकर देखिए और इसको डाउनलोड कीजिए और इसको जब भी हो कॉपी में भी लिख लीजिए और देखने से ही जैसे फिल्मों के टफ लैंग्वेज वाले गाने, लिरिक्स वाले गाने आपको याद हो जाते हैं। एवरीडे खोल के अगर आप देखिए, थोड़ा दूर से डिस्टेंस से, आँख में सटा के नहीं, दूर से डिस्टेंस में अगर प्रत्येक सब्जेक्ट का देखिए वीडियो वगैरह टीचर्स ने पीछे अच्छे ढंग से बनाया है तो आपको तो देखते देखते ही याद हो जाएगा। उसके बाद उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। इस तरह अपनी पढ़ाई की तैयारियाँ करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगी किसको किसको, तो सल्तनत शासकों के द्वारा स्थापत्य कला में किन किन भवनों का निर्माण हुआ और सल्तनत के बाद मुगल्स ने क्या क्या बनवाए, इनकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियोस में दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।